नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी कैलाश सियाल। साथियों, आज भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के जो लोग हैं, आप सीतावनी के जीर्णोद्धार के लिए आज से क्रमिक अनशन पर बैठ रहे हैं। अभी जुलूस के रूप में वो रामनगर से होते हुए तहसील तक पहुंचेंगे। क्या उनके कार्यक्रम हैं, क्यों वे क्रमिक अनशन पर बैठ रहे हैं, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि उनको क्रमिक अनशन पर बैठना पड़ रहा है, उन सब चीज़ों के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके माध्यम से अभी रखी गई है, उनसे हम जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका, क्या जरूरत पड़ रही है कि आपको आज एक अनशन के रूप में आप क्रमिक अनशन करने जा रहे हैं, किस चीज़ को लेकर है, थोड़ा बताएं। सर, ऐसा है, मुझे भीम अनारिया कहते हैं। मैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और लगभग 15-20 वर्षों से वाल्मीकि तीर्थ सीतामणि के विकास के लिए हम विभिन्न मतलब ये के नेताओं को, मुख्यमंत्री और क्या नाम है, यहाँ पर पर्यटन मंत्री अजय भट्ट जी, और जो मतलब हमने कोई नेता ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, हम लगातार इस वाल्मीकि तीर्थ के विकास की मांग करते चले आ रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकारों का नज़रिया इस तीर्थ के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 2014 में यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने ये घोषणा की थी कि इसका विकास, वाल्मीकि तीर्थ का विकास किया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने 15 लाख रुपये यहाँ पर रिलीज भी कर दिए, जिलाधिकारी नैनीताल के पास पैसा पहुंच भी गया, और उस समय मतलब ये कि इसको वाल्मीकि तीर्थ बनाने की घोषणा भी सरकार ने की थी। स्वयं मुख्यमंत्री हरीश रावत जी यहाँ पर आए थे, लेकिन वो सारा कुछ जो है दावे टाई फिस हो गए। इस बार हम फिर ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पर तीर्थ पर ध्यान दे। जब हमें सरकार ये समझती है कि हम सभी ये तीर्थ हमारा है और ये हिंदू हिंदू सब भाई भाई हैं, तो इससे लाभ सिर्फ वाल्मीकि समाज को नहीं होगा, बल्कि इससे सर्व समाज को लाभ होगा। और इस तीर्थ से पूरे देश की वाल्मीकि समाज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने वाल्मीकि तीर्थ चित्रकूट का विकास किया है, करोड़ों रुपए लगाकर उसको बहुत सुंदर बनाया गया है, तो क्या उत्तराखंड सरकार इसका विकास नहीं कर सकती? इसी मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर आज एक रैली निकाल रहे हैं। पूरा उत्तराखंड का वाल्मीकि समाज और उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों का वाल्मीकि समाज यहाँ पर एक हो रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान वाल्मीकि महाराज ने रामायण लिखी थी। ये वो स्थान है जहाँ पर माता सीता जी, जब रामचंद्र जी ने उनको वनवास दिया था, तो लक्ष्मण जी उनको यहीं पर इसी जंगल में छोड़कर गए थे। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। लेकिन सरकार की मतलब ये के उदारता नीति ना होने के कारण इसका विकास नहीं हो पा रहा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सरकार इसका विकास कर दे, तो ये पूरा मतलब ये कि देश नहीं बल्कि विश्व के एक नक्शे पर ही आएगा, और विश्व का पर्यटन जो पर्यटन पर्यटक इस तरफ आकर्षित होगा। अगर मांगे नहीं मानी जाती, कब तक आप बैठने वाले कर्मचारी? देखिए पत्रकार महोदय, सीतामणि हमारे आस्था का विषय है, हमारा नहीं, वो हर एक हिंदू समाज के आस्था का विषय है। राज्य में भाजपा सरकार बैठी है जो हिंदूवादी सरकार होने का दावा करती है। हम इन मांगों के लिए कांग्रेस सरकार से भी मांग करते आए हैं, और वर्तमान में अपनी सरकार में कांग्रेस ने हमें आश्वासन दिया था, जो ये प्रमाण भी है कि उन्होंने पैसा रिलीज भी किया है कुछ, लेकिन मुख्यमंत्री पोस्ट से पैसा रिलीज हुआ है लेकिन ये वापस चला गया। तो हम वर्तमान सरकार से मांग करते हैं कि जो भी घोषणाएं पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा हमारे सीतावनी वाल्मीकि तीर्थ सीतावनी के लिए जो घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं को पूरा किया जाए। यदि वो घोषणाएं पूरी नहीं होती हैं, अभी तो हमारा क्रमिक अनशन तहसील परिसर रामनगर में हो रहा है, पर यदि हमारा कार्यक्रम यहाँ सफल नहीं होता है या हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, तो हम सीधे देहरादून के लिए माननीय मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच करेंगे।